मुझे लग रही थी जोरदार प्यास। मैं जैसे ही किचन में गई तो मैंने फ्रिज खोला तो उसमें देखा कि वहाँ पर रखा था एक आम। तो मैंने आम जल्दी से निकाल लिया और साथ में देखा कि दही भी रखी है। मैंने सोचा दही और आम से क्यों ना मैंगो लस्सी बना ली जाए। तो आज जब मैं ये मैंगो लस्सी बना रही थी तो दादी पता नहीं क्यों भिन्नाटेदार इधर से उधर घूमे जा रही थी। तो मैंने देखा कि दादी अपने लिए फेस पैक बना रही है। तो मैं चुपके चुपके दादी के इंग्रेडिएंट्स देख रही थी कि दादी ने मुझे झांकते हुए देख लिया और दूसरी साइड मुंह करके छुपा छुपा के बनाने लगी। तो मैंने दादी को बोला, दादी मैं देख भी नहीं रही और मुझे आपके जैसी झुरी वाली ब्यूटी चाहिए भी नहीं। तो दादी ने उठाई एक बोतल और मेरे मुँह पे दे मारी। खैर, दादी का आशीर्वाद लेने के बाद मैं चुपचाप अपनी लस्सी बनाने लगी। तो दादी इसके बाद मेन इंग्रेडिएंट्स के लिए फ्रिज खोलने गई क्योंकि दादी को दही चाहिए थी। और खोजबीन करने पे दादी को जब दही नहीं मिली तो दादी का ध्यान सिर्फ मेरी तरफ गया। उसके बाद दादी ने गुस्से भरी नजरों से मेरी तरफ देखा तो मैं लस्सी उठाकर भाग गई।